विश्व हिंदू परिषद ने मनाया संस्कार शाला का वार्षिक उत्सव, साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने मनाया अपना स्थापना दिवस। अजमेर के कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित। जवाहरमंच पर आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा संस्कार शाला का वार्षिक उत्सव और परिषद का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर एक से एक प्रस्तुति दी। साथ ही इस कार्यक्रम में कई संत महाराज और अजमेर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए और बच्चों का हौसला अफजाई किया। विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर सेवा विभाग द्वारा पिछले वर्ष जो एक संस्कार शाला की स्थापना की गई थी, जो बीज बोया गया था, वो संस्कार शालाएं आज एक वर्ष बाद वट वृक्ष के रूप में 40 संस्कार शालाएं अजमेर महानगर में संचालित की जा रही है। उसी का ये प्रथम वार्षिक उत्सव, बच्चों ने जो साल भर संस्कार सीखे, जो क्रियाकलाप सीखे, उन्हीं का प्रकटीकरण यहाँ जवान मंच पर किया जा रहा है। साथ ही 1964 में आज ही जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, साथ ही में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें प्रमुख संतियों को संतों के सानिध्य में स्वामी साधु अनादि जी सरस्वती पाठक जी महाराज, क्योंकि संत ही विश्व हिंदू परिषद का आधार है, सभी बच्चों द्वारा यहाँ बहुत ही सुंदर देशभक्ति के गीत और भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं का यहाँ पर प्रकटीकरण किया गया। सभी दर्शकों ने इनका उत्साहवर्धन किया और बहुत ही उत्साहवर्धन यह कार्यक्रम रहा और सभी ने लक्ष्य लिया कि आगामी दिनों में इन संस्कार शालाओं की संख्या 100 की जाएगी। देखराज सिंह राठौड़, महानगर मंत्री, विश्व हिंदू परिषद।